आपको बता दें, भारत देश में आए दिन कोई ना कोई त्यौहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ हर दिन किसी ना किसी त्यौहार का आगमन जरूर होता है। धार्मिक आस्थाओं के लोग हिंदुस्तान में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हर एक त्यौहार का यहाँ अपना अलग और काफी ज्यादा महत्व भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है, ऐसा माना जाता है। सारी पुरानी कथाओं, पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ त्योहार को मनाया जाता है। बताते चलें, उसी में से सबसे खास और एक अहम त्योहार हो जाता है मकर संक्रांति का। जी हाँ, इस त्योहार को बहुत ज्यादा भक्तिभाव से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर रेखा पर प्रवेश करते हैं। कहा जाता है इस दिन दान पुण्य का भी काफी ज्यादा विशेष होता है। ऐसा भी है, इस दिन जो सच्चे मन से दान पुण्य करता है तो उसको लाभ जरूर होता है। वहीं इस त्योहार की सबसे खास बात तो ये भी है कि इसको भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आज हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि किस राज्य में ये त्योहार किस नाम से मनाया जाता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है, चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान की जाती है। गुजरात और राजस्थान उत्तरायण पर्व के रूप में यहाँ इस त्योहार को मनाया जाता है। वहीं पतंग उत्सव का आयोजन भी इस दिन किया जाता है। आंध्र प्रदेश संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें, तमिलनाडु में यह किसानों का प्रमुख त्योहार होता है। किसान इसे पोंगल के नाम से मनाते हैं। जी हाँ, घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई भी जाती है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र लोग गजल और तिल के लड्डू खाते हैं और इस दिन एक दूसरे को भेंट कर शुभकामनाएं भी देते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन इस दिन किया जाता है और इस त्योहार को काफी ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं असम में इसको भोगली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। जी हाँ, पंजाब की अगर बात करें तो एक दिन पूर्व यानी कि एक दिन पहले लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोहों का आयोजन भी इस दिन किया जाता है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।